Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटिफुल मी। और आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी गुड वाइब्स के मलबरी गुड ग्लो वाइब्स के टोनर। प्रोडक्ट पर्पल पैक्स ही मिलते हैं। ये गुड वाइब्स का मलबरी टोनर मैंने हाल ही में purple.com से परचेज किया था और ये 200 ml की बॉटल है जिसका प्राइस है 225, बट आपको डिस्काउंट में हमेशा ये मिल जाएगी। मैंने इसे 113 का परचेज किया था, 50% डिस्काउंट पे उनका एक ऑफर चल रहा था। तो ये गुड वाइब्स का मैं ग्रीन टी टोनर इस्तेमाल कर चुकी हूँ और वो बहुत ही अमेजिंग टोनर है। अगर आप किसी बेस्ट टोनर की तलाश में तो आपको गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर इस्तेमाल करना चाहिए। वेल, मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर तो यूज़ कर लिया है, बट उसके बाद में मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कोई और वेरिएंट उसका ट्राई करूं। तो इस बार मैंने गुड वाइब्स का मलबरी ग्लो टोनर purple.com से मंगाया, लेकिन मैं मुझे ये ग्लो ये जो मलबरी का टोनर है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस जो है ना वो आपके सर में दर्द कर देगी। इसकी फ्रेगरेंस ओ माई गॉड, बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी शैम्पू में से आती है, एकदम केमिकल टाइप्स। ऊपर से इस टोनर को लगाने के बाद वो फ्रेगरेंस आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आती रहेगी, और मुझे तो मेरे सर में दर्द हो गया इसको लगा के। मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया सिर्फ इसकी फ्रेगरेंस की वजह से। और जब किसी चीज़ की फ्रेगरेंस ही अच्छी ना हो तो आपको उसको लगाने का मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई इसकी फ्रेगरेंस से। अदर देन दैट आप देख सकते हैं पैकेजिंग तो अच्छी है ही। आप वीडियो को पॉज करके इसके इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हैं, बैच नंबर, यूज बिफोर, MRP सब कुछ इस पे रिटन है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, जब भी आप अपना फेस धोकर आएं इसे टोनर को ज़रूर लगाएं, दिन में 2 बार ज़रूर लगाएं बेस्ट यूज़ के लिए। क्योंकि जो टोनर होता है उसका काम ये होता है कि वो आपके पोर्स को क्लोज करता है, pH लेवल को मेंटेन करता है। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, अगर आप 15 अबव हैं तो आपको अपने स्किन केयर में टोनर इंक्लूड करना ही चाहिए, ये मस्ट है। ताकि अगर आपको पोर्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप टोनर ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लम का भी ग्रीन टोनर बहुत अच्छा है। गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी, अगर आपकी एक्ने प्रोनस स्किन है तो वो ज़रूर ट्राई कीजिए। वेल, मलबरी का टोनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई कि अगर आप गुड वाइब्स का टोनर खरीदने जा रहे हैं तो ग्रीन टी का खरीद लीजिए, रोज़ का खरीद लीजिए, कुकम्बर का खरीद लीजिए, लेकिन मलबरी का मत खरीदिएगा। मतलब अगर किसी को, मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ कि जिससे अगर स्मेल से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ख़राब है। बाकी आप देख ही सकते हैं, और कुछ शेयर करने या बताने लायक नहीं है। बाकी तो सब कुछ लिखा वही है, मैंने आपको बता दिया। तो ये है गुड वाइब्स का मलबरी टोनर। मैं अब इसे अपने हैंड पर लगा के दिखा देती हूँ। इसका जो कैप है ना, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा टाइट है, मुझे बकायदा इस तरीके से करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा स्टिफ है। मतलब ठीक है, लूज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, टाइट है, अच्छी बात है, लेकिन इतना क्या टाइट, मतलब कभी कभी तो ये पूरा ही बाहर आ जाता है। तो मुझे ये पैकेजिंग में ये प्रॉब्लम हुई, जबकि अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ग्लो टोनर तो सब पे लिखा रहता है, चाहे वो कुकम्बर का हो या ग्रीन टी, ग्रीन टी का हो। ग्लो टोनर ऐसा नहीं है कि ये 2-3 मिनट तक बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो जाएगा आपकी स्किन में। आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने हैंड्स पे लगाया है, और ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। हाँ, हाइड्रेट फील आप करोगे, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, हल्का सा मॉइस्चर मॉइस्चराइज होगी, लेकिन सच ऐसा नहीं है कोई ग्लो आ गया जिससे सीरम लगाने के बाद ग्लो आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुड वाइब्स का ये मलबरी टोनर ना खरीदें, इसकी फ्रेगरेंस सर में दर्द कर देगी आपके भाई को। और मुझे थैंक यू बोले कमेंट में कि मैंने आप ये वीडियो बनाई। अगर आपको गुड वाइब का टोनर लेने का इरादा हो रहा है तो उस इरादे को खत्म कर दें और जाके ग्रीन टी या फिर कोई और वेरिएंट परचेज करें। सो दैट इज ऑल अबाउट माई रिव्यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।